जासूस कार्यों में मल्टीमीडिया कंप्यूटर एनिमेशन में एक बड़ा काम कर रहा है, जहां छात्रों को कार्टून से लेकर इंटीरियर तक नए आयाम सिखाए जा रहे हैं और छात्रों को इतिहास में ले जाकर अपनी पुरातन सभ्यता संस्कृति से परिचित कराया जा रहा है। इस मथुरा सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से लेकर बुद्ध की विरासत और उनकी शिक्षा पर जोर दिया गया है। संस्था के संचालक संदीप गुप्ता के मुताबिक एनिमेशन के जरिए वे भारत के पुरातन वैभव को सिखा रहे हैं। अरीना मल्टीमीडिया ने अपने छात्रों को एनिमेशन और कार्टून सिखाने के लिए दिल्ली से फाइन आर्ट के नामी कलाकार संतोष कालिया को भी बुलाया। उनका कहना है कि बिलासपुर के बच्चे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला से परिपूर्ण हैं, जो कि चीजों को तेजी से सीखने में मदद कर रही है। इस 3 दिन के एग्जीबिशन में छात्रों ने अपना जबरदस्त टैलेंट दिखाया। एक कैरिकेचर है, एक कार्टून है, तो बच्चों को हमें पहले बताना होता है कि कार्टून जो है वो एक मैसेज होता है, कोई सटायर होता है, कोई व्यंग होता है, उसके तरीके से वो काम करता है। अब इसको इन्होंने क्या किया, उसको एनिमेशन में डाल दिया है कि मुझे ये बात कहनी है, तो उसको एक स्टोरी दे दी। अपनी जगह रहेगा वो, उसका एक अलग मजा है। 2 लाइन 2 पंच लाइन में आपने बहुत कुछ कह दिया, तो इस तरीके से शॉर्ट फिल्म में आए हैं। एनिमेशन भी फन है, छोटी सी चीज बनाते हैं, बड़ी फिल्म नहीं बनाते, ये छोटी फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, तो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से हम लोग आपस में जोड़ ही लेते हैं। अरीना एनिमेशन संस्थान है, उसका यह वार्षिक प्रदर्शनी है और प्रतिवर्ष हम कुछ ना कुछ अनूठा विषय लेकर इसको यहाँ पर इवेंट को करते हैं। और इस साल का जो थीम है हमारा वो है स्वर्णिम उदयन 500 BC से 500 AD। अगर हम देखें तो भारत का सबसे समृद्धशाली समय जो रहा है वो ये 1000 साल का पीरियड रहा है, जब अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, महावीर और गौतम बुद्ध जैसे महानुभाव महापुरुष हमारे देश ने इस 1000 साल के पीरियड में दिए हैं। भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है वो इस 1000 साल की देन है, और उसको हमारे यहाँ के ग्राफिक्स के स्टूडेंट, मल्टीमीडिया के स्टूडेंट, एनिमेशन के स्टूडेंट, इंटीरियर और फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स अपने वर्क के माध्यम से इसमें दिखा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, पूरे शहर के लोग इस प्रदर्शनी को आके देख चुके हैं और काफ़ी अच्छे से उन्होंने स्टूडेंट्स के वर्क को सराहा है। अरीना के छात्र मल्टीनेशनल लेवल पे जाके काम तो कर ही रहे हैं, पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से उस 1000 साल के पीरियड को भी हम स्टूडेंट्स के दिमाग में डाल पा रहे हैं कि इतिहास कितना गौरवशाली रहा है हमारे हिंदुस्तान का।